क्वेश्चन नंबर सिक्स जो एक्सरसाइज 5.2 से लिया गया है, समांतर श्रेणी के इस क्वेश्चन को करते हैं। चेक वेदर -150 इज़ द टर्म ऑफ AP 11852 या क्या AP 11852 का एक पद माइनस के 150 है, जांच कीजिए। तो यहाँ पर जो है देखिए A जो है वो 11 यानी कि 11 है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर D जो है वो 8 -11 -3 हो गया, और nth टर्म यानी कि nवा पद जो है वो माइनस के 150 यानी कि -150 है। अब nth टर्म का जो फार्मूला है an बराबर है a जमा में n-1d, तो an जो है माइनस के 150 दे रखे हैं, माइनस के 150, a जो है 11 है और d जो है वो माइनस के 3 है। अब मैं 11 को जो है बाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 11 ओके, ये माइनस के 161 हो जाएंगे, 3 को माइनस वाले को पहले ले आएंगे n-1 से, और इस तरह देखिए n-1 जो है माइनस से माइनस कट गया तो 161/3 यानी जो कि 3 से भाग करने पर हो जाएगा 53 होल 2/3 यानी कि 53 2/3। अब एक को जो है बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जाएंगे और 53 में जुड़ेगा तो 54 2/3 हो जाएगा। अब n जो क्योंकि जो है पूर्णांक है, एक होल नंबर है, इस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये होल नंबर यानी कि पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब जो है n की क्योंकि मान पूर्णांक या होल नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब 150 जो ऋणात्मक वैल्यू वाला है माइनस के 150 है वो AP का एक टर्म नहीं है, क्योंकि n तभी टर्म होगा जब जो है n की वैल्यू एक होल नंबर में यानी कि पूर्णांक में आएगी। तो इस तरह से आप इस सवाल को समझ गए होंगे। आप देखिए अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को लाइक करके और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।